आप चूंकि डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं, सवाल यही है, बीजेपी आरोप लगा रही है मिला क्या, यानी मुख्यमंत्री वादा किए थे कि बेरोजगारों को हम भत्ता देंगे, तो इसको लेकर जेएमएम क्या कहना चाहते हैं? हम बीजेपी वालों से ये कहना चाहते हैं, केंद्र में आप है, आपकी सरकार है, केंद्र में धनबाद में आपके विधायक हैं, सिंदरी में आपके विधायक हैं, यहाँ 6 विधानसभा में आप ही के विधायक हैं, हमारे सिर्फ टुंडी में है, तो आप सवाल किनसे कर रहे हैं? राज्य सरकार से। आपने 15 लाख देने का वादा किया था, काला धन वापस लाने की बात कही थी, तो आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए ना कि आपने क्या किया। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उनके जनहित में मैया सम्मान योजना का शुभारंभ किया। आपने प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास को बंद करने का काम किया, हमने आबुआ आवास को लाने का काम किया। तो जनता के बीच आप लोग इस बात को क्यों नहीं रख पाते हैं जैसे उन्होंने रखा? देखिए, हम लोग करने में विश्वास करते हैं, हम लोग काम करने में विश्वास कर रहे हैं, और काम हम लोग का धारा तल में चल रहा है, जनता का विश्वास हम लोग के प्रति जगा हुआ है, तो हम लोग उन लोगों को क्यों सवाल पे जवाब दें? जब हमारे साथ जनता है, जनता जनार्दन है, हमारा काम बोल रहा है। हम लोग बयानबाजी में विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग काम में विश्वास करते हैं, हमारा काम बोलेगा, जुबान नहीं। अबुआ आवास लेकर जो ग्रामीण है उसमें एक नाराजगी इस बात की है कि मुखिया को अधिकार नहीं दिया गया, जिसके चलते सही चयन नहीं हुआ, यानी कुछ ऐसे लोगों को भी अबुआ आवास मिला जो योग्य नहीं थे, और जो अत्यंत गरीब है उसको नहीं मिल पाया है। आपके यहाँ की क्या स्थिति है, क्या आरोप सही है? नहीं नहीं, हम लोग का जो स्थिति है, देखिए, मुखिया का योगदान नहीं दिया है, लेकिन हम लोग अपने प्रतीक में झारखंड मुक्ति मोर्चा, हमारे हेमंत बाबू के नेतृत्व में जो हम लोग को कारभार जो मिला है, उसको देखते हुए हम लोग हर आदमी के पास खुद का बैठ करके हम लोग ऑनलाइन करके, जितने भी गरीब संस्था, जितने भी गरीब वर्ग में आते हैं, सारा आदमी का अभी भी ऑनलाइन में चढ़ा हुआ है। अब बारी बारी, एक बार में सब आदमी सोचता है कि एक बार मिल जाए, ऐसा कहीं संभव तो है नहीं। तो अभी जो इतने आवेदन आ रहे हैं, सबसे अधिक आवेदन तो उसी में आ रहा है, अबुआ आवास में ही आ रहा है। आवास में निश्चित तौर पे अबुआ आवास सबको मिलेगा, सरकार फिर से आती है तो निश्चित तौर पर फिर से अबुआ आवास सबको मिलेगा, घर घर में अबुआ आवास। जल समस्या, पिछले बार आपने कहा था कि आपके यहाँ पेयजल की समस्या है, कितना समाधान हो पाया उसका? जिला परिषद सदस्य भी प्रयास कर रही थी आपके यहाँ, कितना समाधान हो पाया? देखिए, जल समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। हम लोग का 15 फाइनेंस से जो भी काम किए हैं, वो आपका जल मीनार हर जगह लगा दिए हैं, और उसका पाइपलाइन वाला जो है उसमें हम लोग जिला परिषद सदस्य लक्ष्मी मुर्मू जी और हमारे और भी जितने वर्ग का है, जिला में भी है, सब पदाधिकारी इसमें लगे हुए हैं, डीसी को भी दिए हुए हैं, इसमें जल्द से जल्द पानी का व्यवस्था किया। परेशानी कहाँ हो रही है? देखिए, परेशानी हो रहा है कि फोर लाइन में जो मैथन डैम से जो पानी जा रही है उसमें कनेक्शन लेने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कब तक अनुमान है कि समाधान हो जाएगा? देखिए, अनुमान तो बोल रही है कि जब एक 6 महीना में हो जाएगा, साल भर में हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर से हम लोग हड़ताल पे जाएंगे, और नहीं होगा तो चक्का जाम करेंगे। इस बार जो हड़ताल पर गए थे, क्योंकि जब जो पूर्वी टुंडी की वीडियो है वो टाइट हुई तो सब लोग हड़ताल ऐसे ही वापस ले लिए, डर से किए या कुछ कारण था? देखिए, हमारे हेमंत बाबू जो है ना, सबका बात सुनता है, और सबका बात, हम लोग को बात पहुंचाना था, वो हमारे मुखियागण का जितने भी है सबका बात सुना, और सबका सुन करके अपना फैसला। मांग पूरा हो गया? मांग हम लोग को